हेलो, आज इस सेशन में हम पढ़ेंगे नोइंग अवर नंबर्स, जो कि सिक्स स्टैंडर्ड सीबीएसई मैथमेटिक्स का पहला टॉपिक है। जैसा कि इस चैप्टर के नाम से ही पता चलता है, नोइंग अवर नंबर्स, तो हमें इसमें पढ़ना है नंबर सिस्टम के बारे में। तो फर्स्ट आई वुड लाइक टू डिफाइन द नंबर सिस्टम। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे नंबर सिस्टम को। तो स्क्रीन पर आप देखें, अ नंबर सिस्टम और सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन इज अ राइटिंग सिस्टम फॉर एक्सप्रेसिंग नंबर्स। That is a mathematical notation for representing numbers of a given set using digits or other symbols in a consistent manner। मतलब ये कि किसी दिए गए सेट के नंबर को मैथमेटिकल नोटेशन के द्वारा एक्सप्रेस करना, रिप्रेजेंट करने के सिस्टम को न्यूमरल सिस्टम कहते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि दुनिया भर में जो भी प्रिवेलिंग नंबर सिस्टम है आज के समय में, वो कौन कौन से हैं। देखिए, स्क्रीन पे इसका हमने क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, प्रिवेलेंट नंबर सिस्टम्स। इसमें एक जो है हिंदू अरेबिक न्यूमरल सिस्टम है, दूसरा रोमन न्यूमरल सिस्टम है। यह हम देखेंगे कि हिंदू अरेबिक न्यूमरल सिस्टम में भी दो हैं, एक आपका इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन है और दूसरा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन है। इसके बारे में हम बात बात में करेंगे। पहले हम देखेंगे कि हिंदू अरेबिक न्यूमरल सिस्टम क्या है और ये कहाँ से आया। तो जैसा कि आप देखते हैं, इसमें पहला जो शब्द है वो हिंदू और दूसरा अरेबिक, तो क्या ये दोनों ने मिलके बनाया या इसको किस प्रकार से ये डेवलप हुआ। इसमें यदि हम बात करें, देखें, तो जो हिंदू अरेबिक न्यूमरल सिस्टम है ये पोजिशनल डेसिमल न्यूमरल सिस्टम है और ये मोस्ट कॉमन सिस्टम ऑफ सिम्बोलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स। ये जो नंबर के, ये जो इन्वेंट हुआ था, ये फर्स्ट टू फोर्थ सेंचुरी के बीच में भारत में इसका इन्वेंशन हुआ था। बाद में पर्सियन मैथमेटिशियन और अरब मैथमेटिशियन द्वारा 9th सेंचुरी में इसको पूरे यूरोप में और दूसरी कंट्रीज़ के अंदर स्प्रेड किया गया। और ये जो सिस्टम है, उस समय जब ये इन्वेंट हुआ था, इसमें खाली 9 ग्लिप्स थे, 9 सिंबल यूज होते थे। और बाद में जब 0 का इन्वेंशन हुआ तो वो भी इसके अंदर इंक्लूड हो गया। और ये ग्लिप्स भी अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से उपयोग होते थे, मतलब अलग अलग रूप थे इस ग्लिप्स के, सिंबल्स के। बाद में इसको एक यूनिफॉर्म वे में लाया गया। पहले ग्लिप्स जो थे, जैसा आज के हिसाब से हम देखें तो जो पहले तत्कालिक उसमें, और आज यदि हम देखें, आज हम 10 सिंबल्स की बात करते हैं, तो सिंबल्स कौन कौन से हैं। तो वो सिंबल्स हैं आज के समय में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9। तो अब अपने पास ये 10 सिंबल्स हैं, 10 ग्लिप्स हैं, जो हम यूज़ करते हैं हिंदू अरेबिक न्यूमरल सिस्टम में। अब हम बात करेंगे कि जो इसको आगे हमने फर्दर क्लासिफाई किया है कि इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है। चलिए आज हम देखते हैं इन दोनों के विषय में कि इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन क्या है। इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में जो किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है शब्दों के द्वारा, वो अलग हो जाता है। संख्याएं तो वही रहती हैं, नंबर्स वही रहते हैं, खाली उसको व्यक्त करने का तरीका, उसको रिप्रेजेंट करने का हमारा जो तरीका होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। हम अलग तरह के शब्द उपयोग करते हैं। तो हम बहुत एक आसान तरीके से मैं आपको इसको बताना चाहूँगा एक उदाहरण के द्वारा। जैसे कोई संख्या है हमारे पास, ये कोई हमारे पास नंबर है, इस संख्या को हमें इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के द्वारा कैसे बोलेंगे। अभी तो हम इसको बोल ही नहीं सकते कि भाई 9, 2, 3, 4, 6, 7, 5, 8, 3, इस तरीके से तो बोला नहीं जा सकता किसी भी संख्या को। तो उसको बोलने के अलग अलग सिस्टम है, एक इंडियन सिस्टम है, एक इंटरनेशनल सिस्टम है। तो हम इंडियन सिस्टम से देखें कि जो राइट साइड है, राइट हैंड साइड आप देखेंगे 3 है, तो इससे 3 डिजिट्स बिफोर, 3 अंकों के पहले हम पहला कॉमा लगाएंगे। उसके बाद
प्रत्येक दो अंक के पहले हमें कॉमा लगाते जाना है इसमें, दो डिजिट के पहले। पहला जो कॉमा आएगा तीन के पहले आएगा, बाकी सब दो दो के पहले आते चले जाएंगे। तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। तो अब इन कॉमा को हम किस प्रकार से टैकल करेंगे या किस प्रकार से पढ़ेंगे? तो जो पहला कॉमा है इसको थाउजेंड दूसरे कॉमा को हम पढ़ेंगे लैक, तीसरे कॉमा को करोड़। मान ली इधर एक और कोई नंबर होता इसके पहले, जैसे कि यहां होता सेवन, तो एक कॉमा और यहां लग जाता। और इस वाले कॉमा को हम पढ़ेंगे अरब। तो इस प्रकार से यदि संख्या को हम पढ़ना चाहेंगे तो इसको इस प्रकार से हम व्यक्त कर सकते हैं शब्दों में कि 7,92,34,67,583। तो इसको मैं आपको लिख के भी बताता हूँ शब्दों में हम कैसे इसको लिख सकते हैं। सेवन अरब 92,34,57,583। तो इस तरह से हम इन संख्याओं को शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन है। इसमें विशेष रूप से ये बात ध्यान रखना है कि पहला जो कॉमा है राइट हैंड साइड से थर्ड प्लेस पे आएगा, फिर उसके बाद जो कॉमा आएंगे वो टू टू प्लेस पे आएंगे, हर टू डिजिट्स के पहले वो कॉमा आते चले जाएंगे। पहले कॉमा को हम थाउजेंड के द्वारा शो करेंगे, दूसरे कॉमा को लेख के द्वारा, थर्ड कॉमा को करोड़ के द्वारा, अरब खरब एंड सो ऑन, यहाँ बहुत से आगे उसके बाद बढ़ते चले जाएंगे। अब हम देखते हैं इंटरनल सिस्टम में हम इसी प्रकार की संख्या को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये देखिए रिप्रेजेंट करने का तरीका, अब इंटरनेशनल सिस्टम में हम देखते हैं जो कोई संख्या हमारे पास है ये कोई नंबर हमारे पास है, इसको हमें इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करना है। तो इसमें जो कॉमा है राइट साइड से थ्री डिजिट के बिफोर रखना है, और इसके आगे के भी जो कॉमा हम रखेंगे वो भी बिफोर थ्री डिजिट्स ही रखना है इसमें। तो ये मेजर डिफरेंस है कि यहाँ कॉमा हमेशा जो डिजिट्स हैं तीन थ्री थ्री के पेयर में रहेंगी और इसके बिफोर हमें ये कॉमा पुट करते जाना है। फर्स्ट कॉमा को जैसा कि हम इंडियन सिस्टम में भी देखते थे, वो इंटरनेशनल में भी थाउजेंड ही कहा जाएगा। सेकंड कॉमा जो है वो मिलियन के लिए यूज करेंगे, और थर्ड कॉमा जो है वो बिलियन के लिए यूज करेंगे। तो यदि इस नंबर को हम वर्ड में रिप्रेजेंट करेंगे या बोलना चाहेंगे तो इस प्रकार से होगा 9,832,547,846। यदि हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहेंगे वर्ड्स में, मैं आपको लिख के बताता हूँ इसको 9,832,000
मिलियन फाइव हंड्रेड फोर्टी सेवन थाउजेंड एंड 846. तो इस प्रकार से हम किसी भी संख्या को, किसी भी नंबर को इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं. तो इस सेशन में हमने देखा कि जो नंबर सिस्टम है वो क्या है और उसका क्लासिफिकेशन क्या है. हमने देखा कि इसमें हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम है और रोमन न्यूमरल सिस्टम है. तो इस सेशन हमने खाली हिंदू अरेबिक न्यूमरल सिस्टम के दोनों जो सब सिस्टम्स हैं, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के बारे में पढ़ा. नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि रोमन न्यूमरल सिस्टम किस प्रकार से है. धन्यवाद.